हेलो दोस्तों, दोस्तों कैसे हो आप सब। आपने जैसे कि अभी थंबनेल पे देखा कि 2023 की सबसे अच्छी रिक्रूटमेंट निकल के आ रही है, तो ये गलत नहीं है। ये बहुत ही अच्छी रिक्रूटमेंट निकल के आ रही है इंजीनियर्स के लिए, स्पेशली सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, प्रोडक्शन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इसके साथ साथ और भी बहुत सारी ब्रांचेस के लिए वैकेंसी निकल के आ रही है। दोस्तों अगर बात कर लेते हैं, यहाँ एक्सपीरियंस और फ्रेशर्स दोनों ही एलिजिबल है। किसको कहाँ अप्लाई करना है, कैसे अप्लाई करना है, सभी के बारे में बात करेंगे। अगर बात कर लेंगे रिक्रूटमेंट की, रिक्रूटमेंट सेक्शन इस पर बहुत ही अच्छा निकल के आ रहा है। और दोस्तों मैंने आपसे कल भी वीडियो में एक चीज़ बोली थी कि आप जो है अपनी ब्रांच और पास आउट ईयर ज़रूर मेंशन कर दिया कीजिए कमेंट सेक्शन में। इसके साथ साथ ब्रांच और पास आउट ईयर तो आप मेंशन करते ही हैं, इसके साथ साथ टेलीग्राम चैनल पे फॉलो ज़रूर कर लिया कीजिए। उसका रीज़न क्या है टेलीग्राम चैनल पे फॉलो करने का? दोस्तों मान लीजिए कि 24 आवर्स ना तो मैं वीडियो यूट्यूब पे रह सकता हूँ वीडियो डालने के लिए, मैं तो जबकि कंटेंट क्रिएट करता हूँ उसके बाद लेकिन आप भी अगर देख रहे हैं तो आप भी 24 आवर्स यूट्यूब पे नहीं रह सकते, चाहे आप वॉच कर रहे हैं चाहे कुछ भी कर रहे हैं, 24 आवर्स कोई नहीं रह सकता है। तो उसी बिहाफ पे मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर हम व्हाट्सएप देखने लगे तो व्हाट्सएप पे क्या होता है कि हम किसी के टेक्स्ट देखते हैं और हम अगर काम का लगता है तो रिप्लाई कर देते हैं, अदरवाइज नहीं कर पाते हैं। तो इसी बिहाफ पे टेलीग्राम भी लुक लाइक है ना व्हाट्सएप, तो वो टेलीग्राम पे भी आप ज्वाइन हो जाएंगे तो सबसे पहले और सबसे जल्दी आपके पास जॉब की नोटिफिकेशन आ जाएगी। प्लस यहां रिक्रूटमेंट बहुत ही अच्छी निकली है मारुति सुजुकी की तरफ से। आपको मैं खुद बताऊंगा, आप खुद देखेंगे सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इसके साथ साथ बहुत सारी ब्रांचेस के लिए बंपर रिक्रूटमेंट निकल के आ रही है। कैसे अप्लाई करना है, कैसे आगे बढ़ना है, सभी के बारे में बात करेंगे। दोस्तों सबसे पहले एक चीज बता दूं मैं कि यहां जो है जो वैकेंसी है बिल्कुल बहुत ही अच्छी है। मारुति सुजुकी जो है इंडिया के साथ साथ ग्लोबलाइड वर्क करता है। दोस्तों अगर इसके कैरियर सेक्शन में हम जाते हैं, कैरियर सेक्शन में हम जाके देखेंगे तो आप देखेंगे यहाँ चार तरीके की वैकेंसी निकल के आ रही है। फ्रेशर्स, ऑल इंडिया इंजीनियरिंग हायरिंग्स, एक्सपीरियंस प्रोफेशनल, वर्किंग वर्कमैन हायरिंग, ITI। ITI वालों के लिए भी बंपर अपॉर्चुनिटी है जो डिप्लोमा और ITI वाले हैं, इसीलिए मैंने बोला था कि डिप्लोमा वाले भी एलिजिबल हैं। कैसे अप्लाई करना है, कैसे आगे बढ़ना है, सभी के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले ऑल इंडिया इंजीनियरिंग हायरिंग में आप देख सकते हैं इन्होंने जो निकाला है, आपको डेजिग्नेशन असिस्टेंट मैनेजर की रहने वाली है। अब इन्होंने क्या बोला है, मारुति सुजुकी की इंडिया हायरिंग इंडियाज लीडिंग पैसेंजर व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग इनवाइट्स एप्लीकेशन फॉर हायरिंग ऑफ यंग एंड यूथ ग्रेजुएट इंजीनियर्स पास 2021 बैच विद इन इंडस्ट्री ऑफ 12 अप टू 12 मंथ्स एज ऑन 31, मतलब आपको मार्च 31 तक आपको करना है। और इसमें क्या है, कौन कौन सी ब्रांचेस एलिजिबल है जी, वर्टिकल, इसके साथ साथ इंजीनियरिंग R&D, प्रोडक्शन, क्वालिटी एश्योरेंस, सप्लाई चेन, सर्विस पार्ट, एसेसरीज और इसके साथ डिजिटल, और ये सभी ब्रांचेस एलिजिबल है। अब आप बोलेंगे कि इसमें मैकेनिकल वाले और सिविल वाले कहां एलिजिबल हैं, आपको मैं पूरा का पूरा दिखाऊंगा। और ये कहां कहां रहने वाली है, दोस्तों ये रहने वाली है रोहतांग, गुड़गांव, मानेसर, पैन इंडिया में। अब आप बोलेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, आप देखेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में दोस्तों इन्होंने साफ साफ लिखा है ब्रांचेस एलिजिबल मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेट्रॉनिक्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, CS एंड टूल ड्राइव। दोस्तों CS और IT वाले भी यहां डायरेक्टली एलिजिबल है जी, हाँ, इसलिए CS और IT वाले भी एलिजिबल है। तो CS और IT वाले भी यहां अप्लाई कर दें। कैसे अप्लाई करना है और एज का क्राइटेरिया, और बिल्कुल फ्रेशर वालों के लिए डिमांड की गई है 2021 और फुल टाइम आपका होना चाहिए, बट इन्होंने बोला है कि 65% आपके होने चाहिए 10-12 डिप्लोमा में BE BTech में। अब एलिजिबल कौन कौन नहीं है, इसमें इन्होंने बोला है एलिजिबल कौन कौन नहीं है, पार्ट टाइम कॉरेस्पॉन्डेंट जिसने पार्ट टाइम किया है वो, इसके साथ साथ कैंडिडेट हु हैव जॉब चांसेस विल नॉट बी कंसीडर्ड, कैंडिडेट्स हु हैव नो एक्सपीरियंस विद नो एक्सपीरियंस, फ्रेशर करंटली अनएम्प्लॉयड, ये कैंडिडेट हु विद कलर ब्लाइंडनेस, कैंडिडेट वर्किंग इन MSL और कैंडिडेट हैविंग ME डुअल डिग्री। इसके साथ साथ ये जो लिंक टू अप्लाई, जब लिंक देखेंगे तो यहाँ इन्होंने लिंक दिए हैं। अब ये लिंक टू अप्लाई, इस पर आपको अप्लाई करना है, इस पर आपको अप्लाई करना है, अपना इनके पास CV बायोडाटा भेज देना है। दोस्तों ओवरव्यू अगर देखेंगे 2023 में होने वाला है, 31 मार्च तक होने वाला है, और ये बहुत ही अच्छी रिक्रूटमेंट निकल के आ रही है।
रही है इंजीनियर्स के लिए। ऐसी अपॉर्चुनिटी बार बार निकल के नहीं आती है, इसीलिए अप्लाई ज़रूर कर दीजिएगा। दोस्तों इसको अप्लाई करने का तरीका भी बता दिया है मैंने, लिंक टू अप्लाई। अब देख लेते हैं जो ITI वाले या फिर डिप्लोमा वाले हैं उनके लिए कहाँ रिक्रूटमेंट निकल के आ रही है। आपको अपनी स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा सबसे लास्ट वाला पार्ट ITI वाला। ITI वाले में सब एलिजिबल हैं। जी हाँ, यहाँ जो एलिजिबिलिटी है ITI डिप्लोमा वालों के लिए है सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, CS, IT सभी ब्रांचेज एलिजिबल हैं। अगर एक्सपीरियंस प्रोफेशनल की देख लेते हैं, एक्सपीरियंस प्रोफेशनल में दोस्तों रिक्रूटमेंट प्रोसेस ये जो है इन्होंने बोला है कि एक्सपीरियंस अगर आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस है, 2 साल का एक्सपीरियंस है, 4 साल का एक्सपीरियंस है, जो भी एक्सपीरियंस है उसके बिहाफ पे आपका हो जाएगा। इन्होंने बोला है कि लास्ट 30 साल से जो मारुति सुजुकी है बहुत बड़ी कंपनी बन चुकी है। अब इनका रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्या होता है दोस्तों, इनके साथ साथ किसी भी बड़ी कंपनी का सेम रिक्रूटमेंट प्रोसेस होता है जिसमें CV स्क्रीनिंग किया जाता है। मतलब आप अपना CV बायोडाटा भेजते हैं तो बायोडाटा आपका स्क्रीनिंग किया जाता है, आपकी जो प्रोफाइलिंग की जाती है कि आप ओके है उस जॉब के लिए, नहीं पर्सनल इंटरव्यू होता है, उसके बाद आपका मेडिकल चेकअप होता है और उसके बाद फिफ्थ राउंड में आपको अप्लाई कंपनी में ज्वाइन करवा दिया जाता है। इसको अप्लाई करने का तरीका भी कैसे है, सभी यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ बहुत सारी वैकेंसी आप यहाँ जो है फंक्शन के थ्रू जो भी है आप अपने बिहाफ पे कर सकते हैं। और अगर आप देखेंगे 2 से 4 साल वालों के लिए सिविल इंजीनियर मैकेनिकल या फिर मेंटेनेंस वाले में मैकेनिकल और सिविल इंजीनियर के लिए टेक ट्रांसमिशन के लिए इलेक्ट्रिकल, ये सभी एलिजिबल है। दोस्तों अगर अकाउंटेंट वगैरह डिजाइनिंग की बात कर ले तो डिज़ाइन वाले में भी सभी एलिजिबल हैं, तो आप अप्लाई कर दीजिएगा। किसी भी चीज़ की प्रॉब्लम होती है तो आई एम ऑलवेज विद यू। कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके कुछ भी पूछ सकते हैं जो आपको अच्छा लगे। ये थी आपके लिए रिक्रूटमेंट, आप इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, मैं जल्दी से जल्दी प्रोवाइड कर दूंगा आपके सामने। और हर ब्रांचेस के लिए वैकेंसी निकल के आ रही है। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।